रिंशा महिंदे दसो भाई तेरे सामने हालात पर चलते जो मुल्क दे इस टाइम बड़ा तनखाह मेरी है उस तनखाह दे विच मकान का किराया बिजली दे बिल ओ विचू बिजली दे बिल भी काट दो मकान का किराया भी काट दो बाकी वो बचते जो थोड़े जो पैसे बचते हैं वह असं 15 दिन मसें गुजारा करने मुड़ 15 दिन असं बेहने हथ धर के हूँ करिए तो करिए की तो जोड़े हालात चलते पे सामने मेरी सलाह जी ये आ ना मैं तेना ना वो विराम सदा लिया ना इतना ही इतने भी चलो ये है भी चलो तो इतने कोई दिहाड़ी दपा जो मैं नौकरी वेख लेना नौकरी वेख के तो इतने नौकरी तो चला बहने भी चलो एक तो है भी चलो मकान का किराया तो बिजली तो बिल निकलता रहा सी तो एक तो चलो घर का चलो राशन पानी चलो गुजारा चंगा हो जा जितने तक मुल्क के हालात नहीं ना ठीक होंगे तो उसमें इतने सदा ला तो चलो सा गुजारा चंगा चल जा मेरे तो मशुरा ही हुई है रिमशा वेख लाल ताब अगर वह कमेंदा ना मुड़ तो आखण की लोड़ ही कोई ना तेन भी पता तो मैनू भी पता है मेरा भीरा है पढ़ता पिया तो तू आंदा पिया है कि उन्होंने इतने सदवा लेव तो तू उन्हू कोई नौकरी लवा के दे से कोई दिहाड़ी दप्पा करे सी तो मुड़ साडे घर का सर्कल चल सी वेख ला मैं तो यह सोचा है कि मेरा भीरा चलो पढ़ता पिया है वो चंगी पढ़ाई कर ली सी मुड़ चंगी वो नौकरी भी लग जा सी मैं हूँ ये खर्चे तो मगर मैं वो जिंदगी बर्बाद करा वो गल भी कोई नहीं ठीक है ना मेरा बिरा आयो मैं वो जिंदगी बनानी है ना कि वो जिंदगी मैं खराब करा सही ठीक आखनी पी तू रिमशा बस तेन बिराव का ख्याल है मेरा तेन ख्याल कोई नहीं इस मतलब तेरी की गल है मतलब मैं तो अपने बिरा की गल करती पी हाँ तो मैं भी वो गल पकड़ लें तेन अपने बिराव का ख्याल है मेरा तेन ख्याल कोई नहीं कि 5000 किसी को मंग 2000 किसी को मंग 15 तरीक तो बाद मैं कंगला होना तो मैं तो नहीं यही आख्या ना करमा लीए क्यों नहीं तो साथ ला इतने नौकरी लवा दी सो कि उस उत्थे पढ़ के जज ही लग जावना एवें गल ना कर अलताफ मेरा भीरा बहुत मेहनत करेंदा यार मैं गलत नहीं पैंदा मैं मेहनत करेंदा ठीक है मैं भी मकसद इस तरह तेन नहीं रख सकता मैं जो कमाइना मैं आप खा सकना मुड़ तू इंज कर ना तू अपना घर तोड़ जा अलताफ एवें गल ना कर ठीक है ना बजाय इसके कि असी ओदी सपोर्ट करिए ते तू आंदा पिया कि उन्हूं सदवा के मैं इत्थे कोई दहाड़ी दप्पे दा काम उन्हूं देसा ए कोई गल भी है करण वाली तो मैं गलत गल कह नहीं कीती तो मुड़ोगा ब्याह कोल लग जा ठीक है तू अच्छा मेरा बिरा मैं तेरे नाल एक जरूरी गल करनी है बहु परेशान हाँ मूँ हाँ सोन ताला गल ये करनी है कि आज अलताफ नाल ना थोड़ी मेरी मूँह मारी हो गई है दसेनी हाँ मैं अलताफ अज बैठा होया तो एक गल करेंदा पिया कि साढ़े घर के जोड़े हालात ना वो बड़े मुश्किल हैं गुजारा बड़ा औखा होता पे है तो तू इंज करना कि तू अपने भीरा सदवा ला मैं उन्होंने इतने दिहाड़ी दप्पा कोई लभ के देसा तो वो इतने कमेसी तो मुड़ साढ़ा सर्कल कोई चल जा सी घर का तो मैं तो उन्होंने इनकार कर छड़े कि मैं किवें अपने भीरा की जिंदगी खराब करा वो तो पढ़ता पे आई पता नहीं तू किवें निके भीरा का भी खर्चा करेंदा पे उहदी पढ़ाई का भी तो खुद भी मुड़ रोस के वग गया कि अगर तू ये नहीं ना करना मुड़ तू अपने बिरा कोल वग जा अपने बिरा दे बूहे ते मैं परेशान आऊँ कि हुण मैं की करा तो बस मैनू यही गल समझ आई है कि वेख ला हुण मैं तेरे बूहे ते भी आवां तो गल तो उही है ना तू मेरा खर्चा तो करना ही है ना मैनू खवावना तो है ना उही पढ़ाई छड़ के जहर है तू कमावना ही है कमा के मैनू खवावना है तो वह गलबात भी कोई नहीं तेरी पढ़ाई का तो हरज होमना ही है ना पढ़ाई तो तू छड़नी है तो तू किवें कमेसें तो मैं यही सोचे कि अगर तू आ जावे ना इधर मेरे कोल
तो मुड़ भी पढ़ाई तो तेरी छुटनी ही है ना। मुड़ यह है कि मेरा घर बचता है, अगर मैं तेरे बूहे से आ जावां तो मेरा घर बर्बाद होंदा है। हुण एक गल तेरे ते है कि हुण तू मेरा घर बचावना है। नहीं नहीं तू हुणे ना, नहीं तू हुणे जवाब ना दे मैनू, ठीक है ना, तू सोच ला। हाँ हाँ तू सोच ला, सोच के मैनू जवाब देवी। मैं मुड़ करेसा फोन। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मेरी बहन, हूँ तो जो मैंने कॉल की तो हूँ क्या रोला ताड़े घर हूँ चलता पाया कि मैंने दस नहीं। फोन तो मैं तुम्हें दसिया तो हाँ अलताफ, बस इदा तमाशा ही बनाई रखता है, पता नहीं सच्चा है कि कूड़ा है। आंदा कि तनख्वाह थोड़ी है तो घर के खर्चे वो ढेर सारे हैं। 30,000 वो तनख्वाह हुई तो 15,000 ये मकान का किराया होया, तो 5-6,000 वो बिजली का बिल आ जाता है। मुड़ 5-7,000 पिछे बचता है, वो राशन पानी लिया के रख देंदे, लेकिन वो 15 दिन भी नहीं कटता। तो वो गल करेंदा, वो अपनी जात तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही सोचा कि तू अपनी पढ़ाई ना खराब करी, तेरी पढ़ाई भी जरूरी आ ते मेरा घर भी। हुण मेरा घर खराब होंदा पिया तो मैं ये नहीं कर सकती, इस वास्ते मैं यही सोचा कि मैं तेरी कुर्बानी दे देवां, क्योंकि मैं अपना घर खराब भी नहीं कर सकती। मैनू पता है तेनू इस गल का दुख भी हो सी, लेकिन मैनू ते इत्थों ढेर दुख है इस गल का। मेरा तो शौक आ कि तू पढ़े आ, तो हुण किस्मत नू हुण यही मंजूरत मैं की कर सकती हाँ इस। चलो कोई नहीं, तो हूँ जो मैंने सदवाया है ना तो मैं शारों ही नाल लै के आया, तो हूँ नहीं तो चॉइस कर ला, मैं हूँ इतने काम करे सामने जिमें तुम आते हो। हाँ मेरा बिरा, हूँ थोड़ी देर बाद आ जासी अलताफ भी, वो जेड़ा काम तेनू आखे ना जेड़ा भी तू आमीन कर छी, तो कोई पट्टी हुई गल भी ना करी। तो हूँ मैं ना तुम थके हुए उस तुम आए जो तो मैं खावण का कोई कर लवान, थोड़ी रोटी टुकर का वो बना लवा, तो अलताफ भी आवन वाला है। कोई नहीं बहन दे बूहे तो तू टुकर नहीं खविंदा, रोटी शोटी से खा के आया ते तू कोई टेंशन नहीं। हुण ते ये तेरा घर हो गया, हुण ते इत्थे ही रहना है तू। हाँ तू परेशान ना हो, तेरे तू बहन है तेरा साथ दिसा है, विराह केड़ी गल वास्ते आंदे ए मां ना। मैनू पता कि मैं जेड़ी गल करनी है तुसी मननी मेरी गल। चलो ठीक है, परेशान ना होवी, अल्लाह खैर करसी। ये हालात हैं, चलो कितन तई रहने, एक ना एक दिन तो हालात साढ़े सही हो जासन, तो मैं हूँ थोड़े खावण का कर लवान। चलो करो तुसी मैं। हाँ मैं आई तो अलताफ क्या स्टॉक किधर आ जाए, आ जाए वो बाहर ही निकले होया, आ जासी। रिमशा गल सुन, ते गुलफाम आया या कोई ना? आए नहीं बैठे, आए बैठे ना। हाँ अच्छा चलो मुड़ो आओ ना मिल लेंगे। मैं तो मिल ले, तू जाके मिल ले, मैं तो उन्हें खावन वास्ते जानती पई आ मुँ रोटी टुकर दा करन। अच्छा उन गल है, मैं तो कम आन लब आया रिजवान गुलफाम दा, सॉरी मैं कम लब आया, तो पहले उन्हें मिल ही नहीं खाना, मुड़ बाद खा लेने और मिल ले तुरे बजे। तो पहले खावन तो देवे आ, मुड़ गल कर लवे आ। ओ हुण भुख्या थोड़ा ही ना सवावना, खा के ही सवना ही ने ना। हूँ अक्सी में मिले तो है कोई ना, तो बाजे उन्होंने मिलता ले तुरे आओ रे बाजे। आ गया गुलफाम, की हाल है? हो ठीक है, तू सुना? हां बो आ गया, मैं तो आख्या कोई ना उसी नहीं, मैं बहन सदवाया तो क्यों नहीं आवना मो। नहीं चंगी गल है, मैं तेरा काम ला पिया हां ठीक है, तो हूँ मेरे बच्चा इस तरह करने पे सवेरे ला तू कम तो जावना उत्ते। तो काम की है? काम है बैठे तो मैं काम तेरा लत बया, तो फिलहाल उत्थे बैठे तो काम करो कोई महीना डेढ़ महीना, जल्द कोई चंगा जहा काम लभ पाया ना उसने मुड़ जनाब किराई होर दे शिफ्टिंग कर ली, फिलहाल उत्थे बैठे तो काम करना ही है। अलताफ ये की आंदा पे तू, हुण मैं अपने भरा नु बैठे ते रुलावना है? ठीक है वो इत्थे काम करन वास्ते आया, वो 12 पढ़िया होया, कोई चंगी जी दफ्तर दी नौकरी लभ के दे, ये किहड़ा काम है? और रिमशा है पाकिस्तान है सऊदीया ते फलाना ते जिंगना नहीं है,
इत्थे पाकिस्तान रेहड़ी भी चलानी पैंदी है, तगारी भी चावनी पैंदी है, भट्ठियां दा भी काम करना पैंदा। उस गल काय नहीं कीती, तू विचों टाटर करन लग गई विचों। ओ कीवें गल करे, ओदी बहन जो अजे बैठी है, तू कोई सोच समझ के गल कर भई। ये किहड़ा काम तू करेंदा बे भट्ठे वाला भई, होर कोई काम ही कोई नहीं रह गया। और इमशाह होर को काम, मैं आख्या भई दो एक महीने उत्थे कर ले सी, ते दो महीने बाद जेहड़ा कोई होर काम लभ सी, ते चंगी जी नौकरी लभ के उत्थे लग जा सी। ते हुणे च लभे आ ओ नौकरियां लभनियां रिमशाह औखियां नो, ते फिलहाल मैं भट्ठे ते काम लभ्या। मैं आखे चलो ए भट्ठे ते कर ले सी, महीना डेढ़ महीना करके ते मुड़ होर लभ ली सां। अल्ताफ बारल, मैं ये काम कोई नहीं करावणा अपने भरा तू, मैं अपने भरा नूं ए नहीं रुलण देवणा ए भट्ठे ते। नहीं रिमशाह बहन, मैनूं तेरे वास्ते जो मर्जी काम मिल जावे ना, मैं तेरे वास्ते करन नूं तैयार हां। मैनूं पता है, मैनूं पता है, तू हजे चुप करके रहो। मैं गल करदी पई ना अल्ताफ नाल, मैं ये काम तैनूं कोई नहीं करन देवणा। ते मुड़ करना की सू, सदाया केड़े पीते आई है, मैनूं दस। सदवाया मैं इसे वास्ते ही आ के वो काम कर सी, लेकिन मैं ये कोई नहीं सोचिया कि वो भट्ठे दे रोल सी। और इमशाह जी काम करना करने वास्ते आया तो मुड़ काम करे ना, एडी केड़ी कहानी, जे नहीं करना तो मुड़ जाओ, तुसी उठियो जाओ, उठियो। अल्लाह भैन अपनी, अल्लाह जा भैन अपनी, चल तमाशा बना ले इन्हें। और एक कदम ना चबे पे ला ला बिरान अपने दिमाग जा पिछाड़ जा, दब जाओ कर तमाशा बना। ओ सुनी मेरी कोई नहीं, मेरे मुंह से कोई और सुनो, वांदे रहो। चलो मेरे भरावो, मैं होर तुहाडी बिस्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती। चलो साड़ी किस्मत च यही लिखिया था। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिमशा हुसैन जी, वेलकम बैक कहती हूँ आप सभी लोगों को जो मेरी स्टोरीज़ देख रहे हैं और उसे पसंद करते हैं और इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, थैंक यू सो मच जी। आज की स्टोरी भी ज़ाहिर है एक स्टोरी हम लेकर आते हैं, उसमें एक इस्लाह करते हैं आप लोगों की, और इसमें भी इस्लाह है। इसको दिखाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है, हमारा जो मुल्क है वो सबसे पीछे हो गया है। यानी कि हमारे जो हुक्मरान हैं मुल्क के, वो आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं, आपस में लड़ रहे हैं लेकिन कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा। तो ये उसी चीज़ की नज़र में हमने ये चीज़ यानी कि पेश की है। वो कैसे कि देखिए, ये अब एक इंसान, जैसे एक आपको फैमिली दिखाई है कि उसके क्या हालात हैं, ऐसी हज़ारों फैमिलीज़ हैं कि वो किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हमारे हुक्मरान, वो उनकी गफलत की वजह से हमारा जो मुल्क है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो हमारे हमसाए ममालिक हैं, जो हमारे बाद आज़ाद हुए, वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हमारा मुल्क जो है वो पीछे ही रह गया। बजाय इसके कि वो ये चीज़ सोचे कि आने वाला साल जो है वो हमारे लिए मतलब अच्छा हो, तरक्की याफ्ता मुल्क बने, तरक्की करें, ये सोच रखें, लेकिन नहीं, वो पीछे से पीछे होते जा रहे हैं और हर कोई अपना सोच रहा है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो ये उसमें से एक फैमिली जो हमने आपको दिखाई है कि उसके घर के हालात किस तरह से गुजारा करें, ऐसे पता नहीं कितनी फैमिलीज है जो पता नहीं किस तरह गुजारा कर रही होंगी, लेकिन ये स्पेशल उन्हीं के लिए था, हुक्मरानों के लिए ये स्टोरी थी स्पेशली कि कुछ ख्याल करें अपनी आवाम का, उन्हें उम्मीदें हैं आपसे, तो प्लीज़ कुछ सोचें। दूसरा इसमें मैसेज ये है कि वो मर्द जो शादी कर लेते हैं, क्या उन्हें शादी से पहले नहीं पता होता कि आपकी कितनी सैलरी है, कि आप उसमें गुजारा कर सकते हैं, अपनी बीवी को खिला सकते हैं या नहीं? आपको बाद में पता चलता है कि आपकी सैलरी इतनी थोड़ी है और ख़र्चे ज़्यादा और आप नहीं, आप वो खर्चे पूरे कर सकते। आपको पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है ना, ये उन मर्दों के लिए। आप अपनी ज़िंदगी चले ख़राब कर रहे हैं तो आप दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। अब आपने शादी किया तो उसे निभाए भी सही, अब आपने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसे अपनी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद करें जिसका कोई कसूर भी नहीं है। ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए, बाद में नहीं। तो यही चीज़ हमने आपको दिखाई है कि कुछ सोचे समझे, ठीक है ना, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। ज़िंदगी एक तरीके से यानी कि गुजारी जाती है, कोई असूल होते हैं, कोई तरीके होते हैं। तो प्लीज़ यही मैसेज हमने आपको दिया, क्योंकि हमारा यानी कि हर स्टोरी जो है वो एक इस्लाह के लिए होती है और आपकी कोशिश तो हमारी यही होती है कि आप तक एक अच्छा यानी कि मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें।
तो अगर आपको हमारी ये छोटी स्टोरी भी अच्छी लगी हो, इसे आगे आपने शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक बार फिर जाते जाते बाटा प्रोडक्शन ऑफिशियल, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।